क्लास हम बात करेंगे जेनपैक्ट के अंदर जो हायरिंग शुरू है उसके बारे में। जो थंबनेल देख करके भी और टाइटल देख करके भी आपने इस वीडियो का अगर क्लिक किया होगा। इसका स्पेशल मौका यह है कि मेरे 50 व्लॉग कंप्लीट होने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो उम्मीद है आप खैरियत होगी, अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि मैं आ गया हूँ अपने गांव, और गांव के अंदर मैं जिस काम से आया हूँ वो बस मुलाकात ही है अपने अम्मी अब्बू से। कोशिश कर रहा हूँ कि हर महीने आ सकूँ और अपने अम्मी अब्बू से मिल सकूँ। तो आज भी मैं आया था मिलने के लिए, लेकिन एक अहम दावत हमको मिली है अपने अब्बू के दोस्त के घर से। तो हम जा रहे हैं वहाँ पे दावत करने के लिए। मैं उनके घर का वीडियो तो आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि पर्दे वगैरह का इशू होता है, लेकिन हम क्या करते हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। इसका स्पेशल मौका यह है कि मेरे 50 व्लॉग कंप्लीट होने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि इस पूरे सफ़र में आप मेरे साथ रहे, आपने मेरा साथ दिया। पहले व्लॉग में शायद ये लगा था कि मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा या ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन देखते देखते 50 व्लॉग कैसे हो गए तो मुझे भी ये अभी तक अंदाज़ा नहीं हो रहा और यकीन भी नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो आज मैं जा रहा हूँ और बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस मैंने पहना है। क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हम करते हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। बुल्ढाना ज़िले की क्या खूबसूरती है, यहाँ के नज़ारे क्या है, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मसना बाबा उड़ गए नींद से और बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए। मसना मसना के अब्बू हो गए तैयार। एजाज भाई को तो आप लोग जानते हैं। एजाज भाई सलाम करिए सबको। अस्सलाम वालेकुम। तो एजाज भाई भी आज हमारे साथ रहेंगे इंशाल्लाह, और ये भी हमारे सफ़र का साथ देंगे। 50 व्लॉग कंप्लीट होने का जश्न आज हम लोग मनाने जा रहे हैं, इसलिए मैंने सबको दावत दिया हमारे घर। आज सब लोग यहाँ पे जमेंगे इंशाल्लाह। मसना भी आएगा। मसना सलाम करो। तो खंसा अभी बिल्कुल सोई भी है, अभी खंसा भी उठेगी, ये भी तैयारी करेगी। और खंसा के अम्मी अब्बू भी आए हैं, इनको भी हमने दावत दिया आज यहाँ पर। तो वो कार के अंदर, जो कार S4 है, उसके अंदर जाएंगे अम्मी अब्बू वगैरह, और हम लोग जाएंगे अपने सियाज में, जो समीर भाईजान की गाड़ी है। समीर भाईजान उसको पलटा रहे हैं। तो और साथ ही हमारे साथ है समीर भाईजान, सलाम करिए सबको। अस्सलाम वालेकुम। तो समीर भाईजान को भी आप लोग जानते हैं, ये भी इंशाल्लाह हमारे साथ जाएंगे। और है ना समीर भाई, आप चलाएंगे गाड़ी? जी जी इंशाल्लाह। चलिए समीर भाई चलाएंगे गाड़ी और हम लोग जा रहे हैं। तो ये सब लोग साथ में जाएंगे और अब्बू भी हो गए तैयार। सलाम करो अब्बू। अस्सलाम वालेकुम। तो अब्बू भी हो गए तैयार और अब्बू भी जाएंगे। तो अब्बू, अम्मी और ये बाकी लोग अलग गाड़ी में जाएंगे, और मैंने आपको जो बताया इसके अंदर हम लोग जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे हसीब, अम्मी के पास चला गया। हमारे साथ हसीब भी जाएंगे, हसीब भी आ गए उनके अब्बू के साथ, और हसीब भी चलेंगे हमारे साथ। जाएंगे ना, सलाम करो पहले सबको। वालेकुम अस्सलाम। चलो मिलेंगे सबसे। समीर भाई, जुबैर भाई, ये हूँ मैं। रिजाज भाई को तो बैठते बता दिया मैंने। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करो। क्या था इसी में शेरो? एक ही सपने में पठान देखने, एक ही सपने में बैठ गए सारे खबीस। ना कोई बरेलवी रहा, ना कोई देवबंदी, ना कोई अहले हदीस। तो ये बात भले ही मजाक में कही गई हो, लेकिन ये बात बहुत असर रखती है, और इसको काम की बात समझ लीजिए। हम समझते हैं कि मसला की शिद्दत पसंदी जो है वो मजहबी शिद्दत पसंदी से ज़्यादा ख़तरनाक है, और आज बहुत ज़्यादा तूल पकड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात मजाक में भी हुई है हमारी, लेकिन इसमें एक बड़ा मैसेज ये है कि एक इत्तेहाद की जो अलामत है वो हमेशा इंसान ने पेश करना चाहिए, और अपने तमाम अख्तलाफात को साइड में रखकर
या पसे पुष्ट रखकर अपने दिली जो जज्बात है उसको आगे लाना चाहिए। तो सहाबा इकराम के ताल्लुक से भी यही आता है कि जब मैदान में होते थे तो फौलाद होते थे, लेकिन जब अपने महफिलों में होते थे तो बिल्कुल कहेंगे कि मुलायम होते थे, अपने दिल उनके मुलायम होते थे और उनके इख्तलाफात जो थे वो सिर्फ दिमागों तक महदूद थे, दिलों तक नहीं आए थे। तो हमें जो है वो दिल से दिल मिलाकर चलना है और लोगों को जो है वो आपस में जोड़ना है, यही मोहब्बत की बात हो सकती है और यही काम की बात हो सकती है। तो ये है हमारे नवाज अंकल जो हमारे साथ जुड़े हैं, सलाम कर दीजिए सब। अस्सलाम वालेकुम। तो इनसे मुलाकात होती रहती है, ये अब्बू के हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं। अक्सर बार जब मैं नांदुरा जाता हूँ तो नांदुरा में इनका रहना है, तो इनका कहेंगे एक्सपर्टीज़ है टेलरिंग के अंदर। तो ये हमारे बहुत ही करीबी मतलब फैमिली अब्बू के बहुत अच्छे दोस्त है और एक करीबी ताल्लुक इनसे हमारा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो चाय पीने के लिए हम जा रहे हैं, चलिए चाय पियेंगे इंशाल्लाह। पहले सही है, ले लीजिए। मैं यार बिस्मिल्लाह कीजिए। हम दिखाते कमांडो को, वहाँ तो ऐसे मोबाइल तो पहले अच्छी जाए माशाल्लाह, अच्छी है। चलिए भाई बैठिए। तो भाई हंसते हंसाते बात करते अपनी फैमिली के साथ, हमने दिन भर बहुत सारी एक्टिविटी की, बहुत साथ में खाना खाया और हम लोगों ने यहाँ पर पिकनिक मनाई, लेकिन वो मैंने आपके साथ इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि हमारे साथ हमारे घर की लेडीज़ भी होती है, हम उनको कैमरे पर नहीं दिखाते हैं, इसलिए मैं उसको शूट नहीं कर पाया। जानते हैं कि मैं अपने गाँव आया हुआ हूँ और यहाँ पर अभी मैं आया था, अभी मैं आया था यहाँ पर। पंकज भाव को तो आप जानते हैं, इससे पहले वाले व्लॉग में भी मैंने इनको बताया था। तो अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे गांव में वाकई में टैलेंटेड लोग रहते हैं। यहाँ हमारे साथ एक ऐसे ही शायर मौजूद है, मैं आपने कभी नहीं देखा होगा, आपने पान ठेलों पर और चाय के नुक्कड़ों पर शायरी सुनी होगी, लेकिन आज पहली बार सलून से मैं शायरी सुनाने जा रहा हूँ आपको। यासीन जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद है जो पीपलगांव से हमारे ताल्लुक रखते हैं। सलाम कर दीजिए सर पहले तो। अस्सलाम वालेकुम। तो इन्होंने ही कहा था कि हमारी सादगी अच्छी क्या यारी नहीं आती, हो फितरत में वफादारी तो गद्दारी नहीं आती। तो और कुछ दो तीन हम इनसे इंशाल्लाह सुनेंगे और आपको भी सुनाएंगे। मतलब एक शेर देखिए कि मैं तो उसका हूँ वो मेरा है क्या, मेरे गम से वो आशना है क्या, वाह कोई गुर्बत में पूछता है क्या, आपको इसका तजुर्बा है क्या। वाह वाह वाह, ये तो बिल्कुल हकीकत आपने बयान किया, बहुत शुक्रिया। कोई गुर्बत में पूछता है क्या, आपको इसका तजुर्बा है क्या, और सब पे तनकीद करता रहता है, सब पे तनकीद करता रहता है, तू अकेला ही पारसा है क्या। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शानदार। और सर जो अभी आप आपके दोस्त का एक बहुत कीमती शेर बता रहे थे, एक बार वो बता दीजिए। आजकल जो शायरी हो रही है उस पे तबसरे होते हैं, आजकल जो है तो मियारी शायरी जो है तो बहुत कम हो रही है, तो उस पर किसी शायर का एक शेर है, ये मेरा शेर तो नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि अदब के नाम पे महफिल में चर्बी बेचने वालों, अदब के नाम पर महफिल में चर्बी बेचने वालों, अदब के नाम पे महफिल में चर्बी बेचने वालों, अभी कुछ लोग जिंदा है जो घी पहचान लेते हैं। वाह 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 वाह, बहुत तो बहुत। एक किसी से सुना था ये शेर, मुझे पसंद आया और वाकई में जो हस्बे हाल शेर है, आज जो आजकल जो अदब का हाल है, हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर गालिब को इकबाल के नाम पर ऐसे शेर मंसूब कर दिए जाते हैं, लोग अपनी जो अपनी दिली जो भड़ास रहती है वो गालिब के और इकबाल के नाम से मंसूब कर देते हैं, जो शेर बेवजन होते हैं, बेरब्त होते हैं, जिसमें जो है तो जुबान जो गालिब की जुबान है, जो इकबाल की जुबान है, उसका दूर दूर तक उससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो इस तरह की शायरी जो है तो आजकल लोग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, और बस अदब के नाम पर यूँ समझ लो कि यही हाल है कि अदब के नाम पर जो है तो घी तो बिकना चाहिए मगर चल भी बिक रही है, बस इतना ही कहूंगा, बहुत शुक्रिया। आपने देख ही लिया होगा इनके अंदाज से और इनकी बातों से कि बहुत गहराई रखते हैं अपनी बातों में और लोगों को इसी तरह बड़ी बड़ी महफिलें लूट लेते हैं अपनी शायरी से। तो सर अच्छा लगा आपसे मिलके, कई दिन के बाद मुलाकात हुई आपसे। फारिद फराज भाई, रेहान चलो तुमको दिख जाओ जल्दी, चलो जल्दी सामने जाओ, तुम्हारी ट्रेन चली। रेहान अबुजर भाई और रेहान अफन भी लेंगे, पीछे देखो अफन। तो अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजिंग विजिट एकदम ये लोगों से, यानी उम्मीद नहीं थी कि मिल पाएंगे लेकिन बहुत अचानक हम स्टेशन पे मिल गए। तो कहते ना जिससे मोहब्बत होती है दिल से अल्लाह उसको रास्तों में मिला ही देता है कि नहीं भाई? मुझे तो है आप लोगों से मोहब्बत, आपका पता नहीं तो मुझे मिल गया।
देखो हमारे अफूजर भाई ने मोहब्बत का इजहार हाथ मिलाकर कर दिए। बिल्कुल है, बिल्कुल है, चलो शुक्र है अल्लाह का, गले मिलते हैं। अरे मेरा रिजर्वेशन है अकोला से, तुम कहाँ पे हैं? अच्छा छोड़ना है, चलो मिलते फिर। ये आ गई हमारी सिकंदराबाद जाने वाली ट्रेन जिससे मैं हैदराबाद जाऊंगा, और ये अचानक लोग मुझे मिल गए थे तो इनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत दिनों के बाद मिले हैं। और जब मैं स्टेशन पे पहुंचा नांदूरा के तो ये लोग वहाँ पे सब बैठे हुए थे तो मुझे इन सब से मिलकर के बहुत अच्छा लगा। तो ये आ गया हमारा डिनर जिसके अंदर पूरन पोड़ी और दही था, और ये इसका इंजॉय करके अब यहाँ पर हम अपना जर्नी कम्प्लीट करेंगे। उसके बाद स्टेशन पहुंचने के बाद मुझे जाना था ऑफिस तो मैंने रैपिडो कर लिया। मैं फ्रेश तो पूरी तरह से तैयार हो गया था और अब मैं रैपिडो से जा रहा हूँ अपनी कंपनी में ताकि मैं अपनी ड्यूटी को भी पूरी कर सकूँ। तो ये मैं पहुंच गया हूँ जैनपैक्ट का ऑफिस। तो एट लास्ट हम बात करेंगे जैनपैक्ट के अंदर जो हायरिंग शुरू है उसके बारे में। जो थंबनेल देख करके भी और टाइटल देख करके भी आपने इस वीडियो को अगर क्लिक किया होगा तो देखिए, अगर आप जैनपैक्ट में जॉब करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें आपके लिए रिक्वायर्ड है। पहली चीज़, आप ग्रेजुएट होना चाहिए। दूसरी चीज़, आप एक्सपीरियंस्ड आपको होना चाहिए। अगर आप फ्रेशर है तो भी आप कुछ फील्ड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी चीज़, आपको किसी एक लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए। चौथी चीज़ जो होना चाहिए वो ये है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होना चाहिए। और पाँचवीं के आप हैदराबाद शिफ्ट होने के लिए रेडी होना चाहिए, मतलब यहाँ रिलोकेट होना चाहिए आपने। तो ये इतनी चीज़ें रिक्वायर्ड है। अगर आप जॉब करना चाहते हैं जैनपैक्ट के अंदर तो अभी बल्क हायरिंग शुरू है। आईटी प्लस नॉन आईटी दोनों सेक्टर्स के लिए हायरिंग शुरू है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का एक तरीका तो ये हो सकता है, न्यूज़पेपर्स के अंदर जो ऐड आती है वो देखें, आप इंडीड और naukri.com जैसे वेबसाइट्स के ऊपर भी ढूंढ सकते हैं। HR से आप कॉन्टेक्ट करके उनसे, उनके थ्रू आप जैनपैक्ट में ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर सबसे सरल तरीका, सबसे आसान तरीका और सबसे इजी ये है कि डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक ईमेल आईडी दूंगा, उस ईमेल आईडी पर आपका CV आप भेजिए, आपका रेज्यूम भेजिए, मैं आपको बहुत इजीली सभी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। तो ये चीज़ें हो सकती है अगर आप जैनपैक्ट में जॉब करना चाहते हैं। एज अ इंजीनियर, एज अ ग्रेजुएट आप अपने करियर को शुरू करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ जैनपैक्ट से अच्छा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एक MNC ऐसी है जिसमें रिसेशन नहीं होता, जिसके अंदर से आपको फायर नहीं किया जाता, निकाला नहीं जाता, और बहुत अच्छे से एक एम्प्लॉय का ख्याल रखा जाता है। तो अगर आप भी जॉब करना चाहते हैं जैनपैक्ट के अंदर तो इसको सिर्फ सपना मत बनाइए, इसको हकीकत में बदलिए और एक अच्छी सैलरी के साथ आप काम कर सकते हैं आपकी जॉब की सिक्योरिटी के साथ। तो दिए गए इस ईमेल आईडी पर आप अपना CV भेजिए, मैं आपको आगे की चीज़ें जो है वो बताऊँगा मेल के थ्रू ही। तो यही था आज का व्लॉग। आज का व्लॉग सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि 50 व्लॉग हमारे पूरे हुए हैं, इसके लिए मैं आप सभी का थैंकफुल करना चाहूँगा। दूसरी चीज़ कि अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं देख रहा हूँ कि सब्सक्रिप्शन हमारा बढ़ रहा है लेकिन जो पुराने सब्सक्राइबर है हमारे जो डीएक्टिवेट है वो घटते जा रहे हैं, तो हमें उसको मेंटेन करना है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप जॉब ढूंढना चाहते हैं, मैं भी आगे वीडियो अपना, अब 50 व्लॉग में मेरा पहला फेज कंप्लीट हुआ है, मैं आगे के व्लॉग्स और आगे के वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाला हूँ जिसमें जॉब से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ों का गाइडेंस मैं आपको देना चाहूँगा। अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।